किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे पुदीने या मिंट्रा की खेती के बारे में और ये इसका खेती आप कैसे कर सकते हैं और इसे सुखा के स्टोरेज में रख के और गर्मियों के दिनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। छाछ और दही में डाल के भी प्रयोग किया जाता है और इसका खेती कैसे किया जाता है। ये गर्मियों के लिए रामबाण हो जाता है। पुदीने का पौधा औसतन ऊँचाई 1 से 2 फीट के करीब होता है। इसके फैलने की जड़ें होती है और ये 3 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं इसके पत्ते और फूल छोटे जामुनी आकार के होता है। इसका उपयोग बहुत से देशों में किया जाता है जैसे चीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, भारत, पैराग्वे में किया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार भारत में पुदीना उत्पादन राज्य है। पुदीना के नाम से जाने जाने वाली ये जड़ी बूटी है जिसका बहुत सारा उपयोग होता है। ये जिसके पास जॉन्डिस या कोई भी तरह का बीमारी रहता है वो इसे खाते हैं। और पुदीने की खेती की जलवायु मिट्टी की बात करें तो इसके मिट्टी की बात करें तो 6 से 7.5 pH मान होना चाहिए और इसके ठंड के महीने के छोड़ के इसकी खेती सालों भर की जाती है। और इसको तो थोड़ा भी लोग अपने घर में कहीं पर लगा के रख दिया जाता है जहाँ जल धारण का स्थिति बना रहता है वहीं ये इसका प्लांट रहता है क्योंकि ये जल से ज़्यादा प्रेम में इसे रहता है। इसके कारण इसका प्लांट उसी स्थान पर लगाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा जल धारण हो। और इसका किस्म की बात करें तो बहुत सारे किस्म है। आप संकर किस्म 77, संकर 77, ईसी 41, 911, शिवालिका, हिमालय ये इसके प्रमुख किस्म है जो कि आप ले सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी द्वारा बहुत सारे का बीज बनाया जाता है। अगर पुदीना की खेती करना चाहते हैं तो जड़ कटाई विधि द्वारा लोग लगा देते हैं और वो भी बहुत अच्छा उसका भी वो लग जाता है और वो बड़ा बड़ा प्लांट भी बन जाता है। पुदीने का बुआई 15 जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक की जाती है और देर से बुआई वाले तेल की मात्रा कम होती है इसीलिए रबी में फसल के साथ उगाया जाता है और दिसंबर माह में भी इसे उगाया जा सकता है। पुदीने के खेत की तैयारी की बात करें तो इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद बहुत अच्छा देना होता है और इसमें दीमक लगने का भय रहता है। गोबर के खाद अगर अच्छी तरह सड़ी ना हो तो और इसका नर्सरी की बात करें तो 2-3 सेंटीमीटर गहराई में बीज बोना चाहिए। अगर जड़ से कटाई विधि द्वारा लगा रहे हैं तो उसे भी 2-3 सेंटीमीटर नीचे ही बोना चाहिए। 3-4 पत्ती का आने लगे तो पौधे का मुख्य खेत में रोपाई कर दी जाती है। इसका एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी आपको वही 5 सेंटीमीटर रखना होगा और दूसरे प्लांट एक क्यारी से दूसरे क्यारी की दूरी 1 हाथ या 1.5 हाथ रख देना होगा। और प्रजनन क्रिया जड़ के भाग से टहनियां प्राप्त होती है। अच्छी तरह पैदावार के लिए 160 किलो भाग प्रति एकड़ में प्रयोग किया जाता है। जड़ों के पिछले पौधे दिसंबर और जनवरी महीने में प्राप्त हो जाते हैं। जड़ गलन बीमारी इसमें सबसे ज़्यादा लगता है। इसमें आप 58 किलो नाइट्रोजन और 32 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश आप डाल सकते हैं और इसका बहुत अच्छा उसका जुताई कर दीजिएगा। उसके बाद ये बीज आप जो लीजिएगा 200 या 300 ग्राम आप वो डाल दीजिएगा वही आपका बहुत अच्छा लग जाएगा। और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी वही जो बताए हैं उतना ही रखिएगा। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह उत्पादन कर लीजिएगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करते रहिएगा 15 या 20 दिन में। और इसका पानी की बात करें तो स्प्रिंकलर लगा सकते हैं नहीं तो अगर पानी अगर ऐसे देना है तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। रोजाना 1 बार पानी देना होगा। पहली सिंचाई सितंबर महीने, दूसरी सिंचाई अक्टूबर महीने, तीसरी सिंचाई नवंबर महीने। मानसून के बाद 3 सिंचाई की आवश्यक हो जाती है और 6 से 9 सिंचाई गर्मियों में बहुत आराम से करना होगा। मतलब 3 या 4 दिन में तो आराम से ही कर देना होगा। अगर सर्दी या बारिश ना हो तो सिंचाई ज़रूर देना होगा और फसल की कटाई 100 से 120 दिन में आराम से कर देना होगा नहीं तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका मार्केट वैल्यू एक बंडल का 10 या 20 रुपये रहता है। वो आप कटाई करके उसे बेच सकते हैं। फिर उसका 10 से 12 दिन बाद फिर कटाई करना होगा। ऐसे ही करके बराबर कटाई करते करते आपका प्लांट अंत हो जाएगा। अगर इतना देर मेरे वीडियो को देखे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।